VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के द्वारा काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च करते हुए दीवानी कचहरी से होते हुए कलेक्टर पर किया जोरदार प्रदर्शन। अधिवक्ताओं का कहना है, गाजियाबाद के न्याय के मंदिर में अधिवक्ताओं के साथ की गई बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारी मांग है, गाजियाबाद में जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। तो वही अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का मानना है कि यह पुलिस की मनमानी का एक उदाहरण है और अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह खतरनाक परंपरा बन सकती है। मैं ये केवल लाठी चार्ज नहीं है, यह वकीलों के सम्मान और अधिकारों पर हमला है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कहीं ना कहीं वकीलों पर इस तरह का अत्याचार होगा। जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए, अधिवक्ता अपने अधिकारियों और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गाजियाबाद न्याय के मंदिर में अधिवक्ताओं के साथ जो घटना हुई है अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। अधिवक्ता जब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। अधिवक्ताओं की मांग है, जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है आंदोलनरत रहेंगे। अलीगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से आज रोड पर पैदल मार्च कर सिविल कोर्ट से लेकर कलेक्टर पर सभी अधिवक्ताओं को एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया। देखिए, जिला जज गाजियाबाद ने जो अधिवक्ताओं के साथ बर्बर घटना कराई है पुलिस के माध्यम से, वो अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय और बहुत बुरी घटना है। हम लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। हमारी इच्छा, हार्दिक और मांग भी है, जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हमारे द्वारा अलीगढ़ अधिवक्ता अलीगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से आज रोड पर पैदल मार्च सिविल कोर्ट से लेके कलेक्ट्रेट तक और जिला पंचायत क्षेत्र में पूरे में राउंड लिया गया और सभी अधिवक्ताओं को एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया और सभी अधिवक्ता बंधुओं ने काली पट्टी बांधी है।